उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खुलने के पहले ही दिन सरकार को शराब की बिक्री से 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फायदा हुआ है, और वो भी तब जबकि प्रदेश के सभी जिले खुले नहीं हैं। महामारी की वजह से यूपी सरकार घाटे में चल रही थी, वहीं शराब की बिक्री से सरकार को बड़ा फायदा हुआ है, जिसके बाद आज आबकारी विभाग की बैठक में सरकार शराब पर सेस लगाने का फैसला कर सकती है। आबकारी विभाग का अनुमान है कि सोमवार को पहले ही दिन प्रदेश की 26,000 दुकानों से करीब 100 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिला है। तीनों जोनों में, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में शराब की बिक्री शुरू होते ही शराब के राजस्व में भारी उछाल आया है। एक दिन में 100 करोड़ से ज्यादा की शराब उत्तर प्रदेश में बिकी है, और वो भी तब जबकि पूरे जिले खुले नहीं हैं। निश्चित तौर पर सरकार इस वक्त घाटे में चल रही है और शराब की बिक्री से एक बड़ा आय सरकार को होने जा रहा है। आज आबकारी विभाग की बैठक है और उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार इस पर भी सेस लगा सकती है। मिल रही जानकारी के मुताबिक प्रदेश के बड़े शहरों में हुए शराब की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लखनऊ में 6.5 करोड़, प्रयागराज में 5 करोड़, बनारस में 4 करोड़ से ज्यादा की बिक्री का अनुमान है। बता दें कि करीब 40 दिनों बाद लॉकडाउन 3 में मिली कुछ रियायतों के बाद प्रदेश में शराब की दुकानें खोली गई। खास बात ये रही कि दुकानों के खुलने से पहले ही बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। इस दौरान कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गई। लॉकडाउन का तीसरा चरण सोमवार से लागू हो गया है। इसके तहत कुछ शर्तों के साथ रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक शराब की दुकानें खोलने का प्रावधान है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ अंकित सिंह, यूपी तक।